देखिए, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने ये टेबल्स एंड डायग्राम्स ड्रॉ करके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा है, वैसे आप भी एग्ज़ाम में इसी तरह से एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पे आपने हर पॉइंट के अगेंस्ट उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ामिनर के ऊपर, जिससे वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। द सेकेंड एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ प्रॉफिट प्लानिंग। अब प्रॉफिट प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं? आपको प्रॉफिट, आपका जो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, तो प्रॉफिट प्लानिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे आपकी हेल्प करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए कि 100% आप अपने प्लांट को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका प्रॉफिट निकल के आता है 5 करोड़। और अगर आप अपने प्लांट को रन करते हैं 90% कैपेसिटी में, तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है 3 करोड़। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉफिट प्लानिंग में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे अपने प्लांट को रन करें, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। द सेकेंड डिसीजन प्रॉफिट प्लानिंग में क्या हो सकता है? डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट मिक्सचर। कि ये वाला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि आप कौन से प्रोडक्ट को बनाएं जिससे कि आपके प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मान लीजिए आप सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं, ए प्लस बी को ही आप प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि अगर आप सी को निकाल देते हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ए बी और डी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स को अगर आप कंबाइन करें तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग पॉलिसी इन डिप्रेशन। आपकी जो इकोनॉमी है अगर वो डिप्रेशन में चल रही है, तो उस केस में क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में, एक डिप्रेशन वाले सिनेरियो में, अपना जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस क्या रखें। अब जो सेलिंग प्राइस है वो बनता है आपके कॉस्ट प्राइस में, अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है। तो अगर आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना चाहते हैं डिप्रेशन वाले सिनेरियो में, तो आप सेलिंग प्राइस को दो ही तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? या तो आप अपनी कॉस्ट्स को कम करें, या फिर अगर आप कॉस्ट्स को कम नहीं कर सकते तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करें। और अगर आप दोनों ही आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा रिड्यूस करना आपके लिए पॉसिबल, ना इसको ज़्यादा रिड्यूस करना पॉसिबल है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सेलिंग प्राइस को कम कर सकते हैं।